नामांकन पत्रों की जांच और 20 जिला पंचायतों के 746 वार्ड, 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के चुनाव होंगे। आपको बता दें 13 से 15 अप्रैल तक 20 जनपदों में नामांकन होगा और 20 जिला पंचायतों के लिए पंचायत वार्ड बनाए गए। पंचायतों के 746 वार्ड बनाए गए हैं। 1,80,743 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के चुनाव होंगे। तो आपको बता दें यहाँ पर पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का नामांकन होना है। 13 से 15 अप्रैल तक 20 जनपदों में नामांकन होना है। 16-17 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 20 जिला पंचायतों के लिए वार्ड पंचायत और पंचायतों के 746 वार्ड, 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के चुनाव होने हैं। इसको लेकर नामांकन आज किए जाएंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन होने हैं। 13 से 15 अप्रैल तक 20 जनपदों के लिए नामांकन होना है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, सरकार ने पहले से ही तय कर रखा है, जो पोस्टर पहले से बनाया जा चुका था, कि तीसरे चरण का नामांकन कब होगा। और चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर ये नामांकन होने हैं। और इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। प्रत्याशी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रस्तावक को नामांकन केंद्र तक जाने की अनुमति है और हर नामांकन केंद्र पर कोविड के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, ये पहले ही एडवाइजरी जारी हो चुकी है। तो इस बार भी पंचायत के जो चुनाव है काफी सख्त पहरे में हो रहे हैं और नामांकन की भी प्रक्रिया काफी सख्ती के साथ, इसका कड़ाई के साथ पालन कराया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो आपको बता दें पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण का नामांकन आज से होना है। 13 से 15 तक नामांकन होना है, इसको लेकर के तैयारियां भी की गई हैं। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का भी यहां पर पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें 16-17 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच और यहां पर पंचायतों के 740 वार्ड, 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के चुनाव होने हैं। तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज नामांकन होना है। 13 से 15 अप्रैल तक नामांकन होना है। 20 जनपदों में नामांकन होगा। आपको बता दें 16-17 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 20 जिला पंचायतों के पंचायत वार्ड और पंचायतों के 746 वार्ड और 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, सभी